डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे, आह्लादित होंगे। केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ में हम आगे सिलेबस को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि हम परासरण के बाद व्युत्क्रम परासरण पर आ गए हैं। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ कहते हैं। जैसे आपने आरओ का पानी पिया होगा। तो यदि विलयन के अणुओं पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, देखो यदि विलयन के अणुओं पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा तो परासरण की क्रिया उल्टा हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन में से विलयन की ओर चलने लगते हैं। यह घटना व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। अब ये परिभाषा इतनी अच्छे से नहीं समझ आई होगी, तो इसको आप सांद्रता वाले परिभाषा से समझ सकते हैं। हमने अथवा में लिख रखा है कि जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है। देखो, परासरण दाब लगाओगे तो केवल अर्धपारगम्य झिल्ली में से जो है विलायक के कण आना बंद हो जाएंगे, क्रिया रुक जाएगी। लेकिन यदि विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाओगे तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर चलने लगते हैं। इसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। जैसे भी समझाएंगे नीचे आपको, इस विधि द्वारा समुद्री जल से आसुत जल बनाया जा सकता है। मतलब समुद्री जल हो, खारा जल, उसको जो है शुद्ध जल में बदला जा सकता है। अब देखो, जैसे ये लवणीय जल है समुद्री जल और इधर शुद्ध पानी है, तो ये अर्धपारगम झिल्ली बीच में लगी SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अभी तो अर्धपारगम झिल्ली में क्या हो रहा था कि पानी जो है, पानी के अणु इधर लवण जल की तरफ आ रहे थे। हमने क्या किया, परासरण दाब लगा दिया तो इधर के अणु इधर आना बंद हो गए। लेकिन जब परासरण दाब से अधिक दाब यानी और वाह्य दाब भी लगाया तो क्या होने लगा, जब विलयन पर वाह्य दाब लगाया तो निम्न सांद्रता, इधर जो है निम्न सांद्रता से, देखिए आगे आप समझेंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन से, इधर पहले अधिक सांद्रता है लवण वाले जल में, नमक का पानी और ये केवल पानी ही, तो अधिक सांद्रता से फिर कण किस में जाने लगेंगे, पानी के निम्न सांद्रता की ओर इधर जाने लगेंगे और इधर हमें शुद्ध पानी की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा और समझ लें, जैसे यहाँ पे हमारा है ये एक है, इसमें इसे हमने नमक का पानी लिया है, ठीक, तो ये अधिक सांद्रता वाला है, और इसको हम अगर इधर जोड़ देंगे कम सांद्रता वाले, यानी कि यहाँ जैसे जल है तो ये जल जो है कम सांद्रता है और ये नमक का पानी है, इसका मतलब ये नमक जल है मिश्रण पानी का विलयन। तो इसमें क्या होगा, पहले जब परासरण की क्रिया होती है तो जल के अणु जो है इस पारदुगा अर्धपारगम झिल्ली में से इधर आते हैं नमक और जल की तरफ। लेकिन जब आप इस पर क्या करेंगे, विलयन पर परासरण दाब लगाएंगे और भी दाब लगाएंगे तो क्या होगा, फिर इधर इसमें से आना बंद हो जाएगा और इसी में से जो केवल जल के अणु होंगे, नमक के नहीं, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली तो केवल जल के अणुओं को जाने देगी, तो उसके जल के अणुओं को फिर इधर जाने लगेंगे जल के अणु, और इधर शुद्ध पानी की प्राप्ति होगी। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।